हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल। वेट, मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया है, मैं देखता हूँ। और नोटिफिकेशन में कौन से मैसेजेस थे? ओह, डिलीटेड मैसेजेस। सो फ्रेंड्स, आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा होता है तो नो वरीज, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये डिलीटेड मैसेजेस हम कैसे देख सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपकी स्क्रीन पे दो मोबाइल स्क्रीन दिख रहे होंगे, ठीक है? एक मेरी है और एक मेरी फ्रेंड की है। तो मैं मेरे फ्रेंड के नंबर से कुछ मैसेजेस सेंड करता हूँ, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ हाय, ओके। फिर आप और एक मैसेजेस सेंड करता हूँ हाउ आर यू, ओके। तो और दो मैसेजेस सेंड करता हूँ मैं आई एम वेल और आई एम वेल थैंक यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उनके मैसेजेस के नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, ओके। तो ये देखो, यहाँ पे चार मैसेजेस शो कर रहे हैं। अभी देखो, मैं मेरे फ्रेंड के मोबाइल में जाता हूँ और वहां पे सोचता हूँ कि इसमें से दो मैसेजेस मुझे डिलीट करने हैं, आई एम वेल और हाउ आर यू, और मैं यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया मैंने, ओके। तो नोटिफिकेशन में भी दिखता है, जैसे आप अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दो मैसेजेस डिलीट हो गए हैं, ओके। अगर आपको ये दो मैसेजेस देखने हैं तो आपको क्या करना होगा? एक सिंपल सी थिंग है, थैंक यू को लॉन्ग प्रेस कीजिए, मतलब उसके नीचे वाले मैसेज को, और कॉपी पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे जितने डिलीटेड मैसेज हैं वो दिख जाएंगे। ये बहुत ही इजी है, ये विंडो में आपको सारे मैसेजेस दिख जाएंगे जितने भी डिलीट उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग है और एक ऐप है जो डाउनलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे उस ऐप का नाम डालना है। तो उस ऐप का नाम है चैट बीन, ठीक है। जैसे आप उस ऐप का नाम एंटर करोगे तो आपको उसे इंस्टॉल करना होता है। तो वहां पे अगर आप लोगो देख रहे हो तो वो ऑफिशियल लोगो है उनका, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा ऐप है, तो 4 MB का है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ऐप ये इंस्टॉल हो जाता है आपकी स्क्रीन पे, तो आपको उसमें तीन सेटिंग्स करनी होती है। वो कौन सी सेटिंग्स है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्कैनिंग चल रहा है, तो स्कैनिंग के बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो तीन सेटिंग्स है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और उसको एनेबल करना है, ठीक है। चैट बिन को एनेबल और अलाउ करना है, ठीक है। जैसे आप करोगे तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन से, तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी अलाउ करना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को भी अलाउ करना है। जैसे आप ये तीनों ऑप्शन अलाउ करेंगे तो आपको क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे एक सेटिंग्स है, तो उस सेटिंग जो आपको कोने में दिख रही है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस सेटिंग्स पे क्लिक करोगे आप, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन है चैट पिन, देख रहे हो, तो ऑटो स्टार्ट, चैट पिन ऑटो स्टार्ट, तो उसको आपको एनेबल करना होगा। देखो यहाँ पे ऊपर से फिफ्थ नंबर पे, तो जैसे आप उसको एनेबल करोगे, ठीक है, मैं यहां से एनेबल करता हूं, एनेबल करोगे तो आपके जितने भी मैसेजेस है वो ऑटो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर यहां से सिर्फ आपको एक चीज करनी है, जैसे आपके सारे मैसेजेस चैट पिन पे भी ऐटो स्टार्ट हो गए और व्हाट्सएप पे तो ऑटोमेटिकली ऐटो स्टार्ट होते हैं वहां पे, तो जो भी फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको चैट पिन पे भी आएंगे। बट आपको हर बार चैट पिन ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे जाना है। अगर वहां पे कोई मैसेजेस डिलीट होता है तो उसके बिल्कुल नीचे वाला मैसेज को लॉन्ग प्रेस करना है और कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपको हर बार ऐप में जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर आपको ओल्ड मैसेजेस भी देखने हैं तो भी आप उस टाइम पे, लेकिन आपको चैट पिन ये ऐप में जाके देखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, और प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम मिलते हैं अगले वीडियोस में ऐसे ही कुछ और टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।